एक मूवी देखिए इन्फ्लुएंसर के नाम से। इस मूवी को प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है भैया। चलिए बात करते हैं इस मूवी में क्या है अच्छा और क्या है बुरा। इस फोकस करती है एक इन्फ्लुएंसर मेडिसन की, जो कि भैया डेली अपने व्लॉग्स बनाती है और अपनी जो कि तस्वीरें वगैरह हैं वो सोशल मीडिया पे डालती रहती है। तो भैया वो थाईलैंड में छुट्टियां गुजारने के लिए आती है अकेली, तो वहां पर वो थोड़ा बहुत लोनली फील करती है। तो उसे वहां पर एक लड़की मिलती है CW की, जिसके साथ उसकी काफ़ी बॉन्डिंग बन जाती है। अब जो कि भाई CW नाम की औरत होती है भैया, वो थाईलैंड में उसे एक आइलैंड पे छोड़ के आ जाती है। आइलैंड के नज़दीक नज़दीक तक सिर्फ पानी ही होता है। अब मेडिसन नाम की औरत के साथ क्या कुछ होगा, उसी चीज़ को जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ता है। इसके अलावा मैं कुछ बताऊँ तो स्टोरी रिवील हो जाती है बॉस, तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो इस मूवी को देखकर भैया मैं चौंक गया हूँ यार। मैं इस मूवी के बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं की, कोई ट्रेलर नहीं देखा, कोई यानी कि इसकी स्टोरी वगैरह नहीं पढ़ी, डायरेक्ट इस मूवी को देखने गया और इस मूवी ने मेरे को चौंका के रख दिया। मेरे को पता भी नहीं चला इस मूवी ने अपने साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लिया था भाई। जो कि मेडिसन नाम की लड़की देखने मिलती है, तुम्हें उसका करैक्टर काफ़ी पसंद आता है और तुम्हें उसकी फिक्र होती है कि भैया ये लड़की अब बचेगी या नहीं बचेगी। दूसरी चीज़, इस मूवी में टेक्नोलॉजी का बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया गया है, यानी कि ये जो AI आ गई है, किसी का भी वीडियो क्रिएट किया जा सकता है फेक और उसका वॉइस यूज़ करके तुम सब कुछ कर सकते हो। जो कि CW नाम की औरत होती है, तो भैया वो क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर होती है तो उसकी पूरी लाइफ वो जीना चाहती है। टेक्नोलॉजी के बारे में दिखाया जाता है कि कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कितना कुछ कर सकता है, कितने गलत क्राइम करके भी बच सकता है। इस मूवी में जो कि इंटेंसिटी है, जो सस्पेंस है, वो चलता रहता है कि इस मूवी में आगे क्या होने वाला है। यानी कि तुम कुछ ना कुछ प्रडिक्ट करते हो लेकिन वो गलत हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इस मूवी की जो कि एंडिंग है, एक दफ़ा मेरे को लग रहा था कि इसकी जो कि एंडिंग है मूवी को बर्बाद करने वाली है, लेकिन एंडिंग तुम्हें चौंका के रख देती है बॉस। तो इस मूवी में अगर नेगेटिव्स की बात करें तो भैया जो कि मेडिसन का करैक्टर है तुम्हें काफ़ी पसंद आता है, लेकिन उसका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम दिया जाता है। दूसरी चीज़, जो कि भैया ये CW नाम की औरत देखने को मिलती है तो कुछ चीज़ें समझ आती है कि भैया ये सब क्यों कर रही है, लेकिन उसके पीछे पूरी कहानी को रिवील नहीं किया जाता। यानी कि करैक्टर डिवेलपमेंट बहुत ही डिसेंट लेवल की है। तो इतना ही बोल सकता हूँ, सोशल मीडिया की लाइफ की तरह भाई इस मूवी को तुम देख सकते हो और इन्जॉय भी कर सकते हो और उसी तरीके इसको भूल भी सकते हो। यानी कि कोई बहुत ग्रेट मूवीज़ में से नहीं है, लेकिन तुम्हें मज़े ज़रूर करवाएगी। अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देने में 5 में से तो 3 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते ही पर ख़त्म। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।